सुप्रभात। हमारा आज का विषय है प्रेम। मनुष्य का जीवन प्रेम की फुहारों से सिंचित होता है तो घृणा के उद्वेगों से दूषित। घृणा जीवन का व्यक्तित्व का कलुष। घृणा का अर्थ है दूसरे के विनाश की आकांक्षा, उसके अस्तित्व को नष्ट कर देने की चाहत। प्रेम की परिभाषा उत्सर्ग से तय होती है। उत्सर्ग का अर्थ है आवश्यकता पड़ने पर दूसरे की रक्षा हेतु स्वयं को होम कर देने का, समर्पित कर देने का भाव। और इसके विपरीत घृणा का अर्थ है आवश्यकता न भी पड़े तो भी स्वयं के लिए, अपने अहंकार की रक्षा के लिए दूसरे को नष्ट कर देने का भाव। सामान्य मनुष्यों के जीवन में प्रेम का विस्तार कम, घृणा का अधिकार ज्यादा दिखाई पड़ता है। लोग कहने को तो प्रेम करते हैं पर यह प्रेम भी तो घृणा का ही रूप होता है, या किसी अन्य दिन घृणा का रूप बन जाता है। जिसे आज लोग प्रेम करते हैं कल उससे घृणा करने लगते हैं, और जो प्रेम घृणा में बदल जाए समझना चाहिए कि वह प्रारंभ से ही घृणा थी, मात्र प्रेम का मुखौटा लगाकर जी रही थी। प्रेम मनुष्य के जीवन में तब ही अवतरित होता है जब मनुष्य सर्वत्र सब प्राणियों में उसी परमात्मा को देखने लगता है और उसी परमात्मा को स्वयं में देखने लगता है। जब अहंकार उसके वे दूसरों के बीच की बाधा नहीं रह जाता तभी सच्चा प्रेम जन्म लेता है, तभी घृणा का अंत होता है। जहां प्रेम होता है वहीं सागर बहता है, प्रभु भी वहीं बसते हैं और वहां रिश्ते भी अपने आप ही बन जाते हैं। ये प्रेम ही तो है जो हम आपको रोज याद करते हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में प्रेम ईश्वरीय देन है। अतः प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। एक व्यक्ति ईसा मसीह के पास मिलने गया और उनसे पूछने लगा, हे प्रभु, आप जिस आनंद की बात करते हैं क्या वह मुझे मिल सकता है? ईसा मसीह ने उत्तर दिया, मिल तो सकता है पर उसके लिए तुम्हें फिर से पैदा होना पड़ेगा। वह आदमी घबराया, पूछने लगा, क्या मुझे मरना पड़ेगा? ईसा मसीह बोले, तुम्हें नहीं, तुम्हारे अहंकार को मरना पड़ेगा। जब वो मरेगा तो तुम्हारा नया जन्म होगा जो प्रेम का माध्यम बनेगा। यही नया जन्म भारतीय शास्त्रों में द्विज के नाम से जाना जाता था, जिसका मिलना घृणा के अंत और प्रेम के आरंभ से ही संभव है। और अंत में मन की आंखों से प्रभु का दीदार करो। दो पल का है अंधेरा, बस सुबह का इंतजार करो। क्या रखा है आपस के बैर में ऐ यारों, क्या रखा है आपस के बैर में ऐ यारों, छोटी सी जिंदगी, बस किसी से प्यार करो। ओम शांति।